बाद हम लोगों ने साथ में डिसीजन लिया था शादी करने का, और हमारे दो तीन बच्चे भी हैं जो बिल्कुल आलिया के हाइट के ही है, और वो भी घूम रहे हैं कितनी दिन से घूम रहे हैं। अब मैं कोई और दुल्हनिया ढूंढूंगा, अभी लोगों की तो शादी हो गई। या तो मैं रुकूंगा कि वरुण छोड़े फिर मैं शादी करूं। आप जानते ही हैं कैसे मैं जो लड़कियां छूट जाती हैं उनकी शादी करता हूं। ये बहुत ही नाजुक टाइप का क्वेश्चन पूछा है आपने, और इसका उत्तर मैं अब नहीं दे सकता क्योंकि मेरी माँ देख रही है ये प्रोग्राम, तो आई कांट आंसर दैट क्योंकि मैं अपने माँ बाप से छुपा रहा हूँ कि एक्चुअली मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। सो व्हाट इज योर क्राइटेरिया ऑफ एन आइडियल ब्राइड? माय आइडिया ऑफ थ्रिलर हो गया है प्रॉपर ब्राइड, आई थिंक जिस तरीके का किरदार ये निभा रही है पिक्चर में, आई थिंक काव्या प्रताप सिंह का, आई थिंक आई वॉन्ट समन लाइक दैट हु टेक केयर ऑफ मी, पैम्पर मी, थोड़ा एम्बिशियस हो, वो पुश मी अहेड इन लाइफ एंड जो मुझे आगे धकेलेगी, और ये उठपटांग हरकतें ऐसी करेगी अपनी आंखों के साथ, बहुत सेक्सी लगता है। और अगर डोमिनेटिंग रहे तो और भी मजा है, रात को बहुत मजा आएगा। मेरा एक सवाल है, सवाल ही कंप्लेन है मेरी आपसे, कि लड़कियों को उठाना, उन्हें घुमाना, फिर आना, कस्मे वाली जाना, भले झूठे से ही तो था वो जो आपने आलिया को दे झूठे से, मतलब लेट हिम टॉक, इट्स अ मैन टू मैन टॉक, रिलैक्स, अब बोलो, वुमन बीच में आ रही है, ये जो आपने आलिया को दे दिया तो हम लड़की कहां जाएंगे? मैंने क्या दिया उसको? आलिया उठा रही है, आलिया उठा रही है, वो उल्टा कर दिया, क्योंकि भाई हम लोग इतने सालों से, ये मेरा बचपन से कंप्लेन है औरतों के प्रति या सोसाइटी के प्रति, हम लोग जो लड़के हैं हम लोग तब से इतना मेहनत करें कि कभी ना कभी लड़की पटेगी, कभी ना कभी हंसेगी, कभी ना कभी कुछ अच्छा बोलेगी, बट इतना भाव, मतलब स्कूल के फर्स्ट स्टैंडर्ड, टीचर ही इज टीजिंग मी, टीचर ही इज पुशिंग, अरे ब्रो आई लाइक यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें टीज कर रहा हूँ, ये बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लड़कियाँ हमें सिखा रही। तो मैंने बोला जब मैं एक्टर बनूंगा तो मुझे एक चांस मिलता है, मैं ये रोल रिवर्स करना चाहता हूँ। So when was your first crush? First crush was in the first standard only. This girl called Ashpia Agrawal. वो बहुत जल्दी जल्दी भागती थी और मैं उसके बहुत जल्दी जल्दी पीछे भागता था, पर वो इतनी जल्दी भागी कि वो चली गई, स्कूल के बाहर ही निकल गई। हाँ, मुझे लड़कियों के पीछे भागने में काफ़ी मज़ा आता है, मैं सच बोल रहा हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज आजकल लड़कियाँ काफ़ी फास्ट हो गई है रनिंग में, तो मज़ा आता है, कार्डियो हो जाती है। विदेशी विलेन बोला है इनको, तो ये भी काफी चल जाएगा लग रहा है, और क्या नाम भी सिद्धार्थ है, सो यू नेवर नो, एक हीरो एक विलेन एक हीरो। अगर आप सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कम्पीट कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिंदगी में भी और फिल्म में भी लोकप्रियता बहुत है, एवरीवन लाइक्स हिम, और उनका कैरेक्टर भी वही है कि एवरीवन लव बाय एवरीवन, बट इवेंचुअली आई थिंक पिक्चर कंपटीशन के बारे में नहीं है, हम दोनों के बारे में है, ही इज प्लेइंग अ वेरी मैच्योर कैरेक्टर, हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है पिक्चर में, और मैं एक डायलॉग है मैं इनको कहता हूँ कि भाई हम तो पंजाबी हैं, हम तो पूरे दिल वाले बंदे हैं, और आप कहते हो मैं दिल से नहीं दिमाग से सोचता हूँ, तो इनके पास दिल और दिमाग है, मैं खाली दिल से सोचता हूँ। बट बहुत कुछ सीखने मिला मुझे इनके वजह से, इनसे, क्योंकि इन्होंने इतनी फिल्म्स की हैं, इनका इतनी फैन फॉलोइंग है, यू नो इतना ज़्यादा काम किया इन्होंने, और यू नो इतने ग्राउंडेड हैं और इतने आसानी से, यू नो जैसे आई एम अ न्यू कमर, जब मैं आया मूवी में तो यू नो हाउ दे अडैप्ट, हाउ दे गॉट अडैप्टेड टू मी, हाउ दे गॉट मी इनटू देम, हाउ दे मेड मी वन, यू नो बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो बहुत कुछ सीखा इन लोगों से। क्या करना, क्या करना, क्या एक्टिंग करना, अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक्टिंग तो दोनों में सेम होती है, टीवी में क्या लिमिटेशन होती है, टीवी में लिमिटेशन होती है करने की, और जो मूवीज होती है उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, उसमें सर्टिफिकेट होते हैं, तो आपको डिपेंड करता है कि आपको क्या सर्टिफिकेट मिल रहा है मूवी में,
तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इंडस्ट्री को ना हमारी कंट्री को प्राउड किया दैट इज प्रियंका चोपड़ा। उन्होंने इंटरनेशनल एल्बम कट किया है अपने आप अपने लिए, आई थिंक इज अ वेरी वेरी बिग स्टेप। और ऑब्वियसली मैं आई हैव सेड बिफोर वो एक इंस्पिरेशन है फॉर मी टू फील लाइक मैं कुछ कर सकती हूँ इन दैट स्पेस ऑल्सो। मेरे को भी देना है इसलिए वाला मेरे लिए किशोर कुमार, आई थिंक ही ऑब्वियसली वो एक एक्टर सिंगर थी, ये मतलब नो ऑफ कोर्स सिंगर बहुत रिनोन्ड और सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग, उन्होंने सब बड़े एक्टर्स के लिए भी गाया और खुद अपने लिए भी गाया, और उनके गायकी में एक एक्टिंग थी आई थिंक, वो हमेशा अपने सिंगिंग में ही ब्रिंग अ परफॉर्मेंस। एंड इवन हिमेश रेशमिया या अरे हाँ करेक्ट, वो उनका लेटेस्ट हिट क्या है एक्सपोज से वो गाना वो आइसक्रीम खाओगे कश्मीर जाओगे, प्रिया शीला बबीता शमिता। अच्छा आलिया, जैसे कि हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है वो अब सिंगिंग भी कर रही है, तो इससे आपको नहीं लगता जो सिंगर है फीमेल सिंगर है उनके जो खतरे में आ जाएगी क्या? वो एक्टर्स बन जाएंगी ना, उनको एक नया उनको एक नया मिलेगा, क्यों नहीं यार, सिंगिंग के लिए आवाज़ सही है। नहीं नहीं सिंगिंग के लिए आवाज़ सही है, अब उनके लिए एक नया रास्ता खुलेगा कि अब वो एक्टिंग भी कर सकती है। मुझे नहीं ऐसा नहीं लगता, मैं हो कैसा ना हो क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ब्यूटीफुल फीमेल सिंगर्स है, and also I feel like नए talent है, new singers keep coming, मतलब new singing talent, एक शो होता है only for singing, कौन सा शो है? इंडिया आइडल, दो तीन शो है ना, अरे मैं कह रही हूँ एक चैनल को क्यों प्रमोट करो, सबको प्रमोट करो, अरे यार हाँ, but basically I don't feel ये हो पाएगा, but it's a very nice and very interesting कि actors अभी singing कर रहे हैं, and actually बहुत time से होता आ रहा है singing। पर आप इनकी दिल की बात जानना चाहते हैं तो हाँ, ये सिंगर्स को रिप्लेस करना चाहिए, काफी दुक्कड़ है और सबकी पेचेक से इसको कट चाहिए। ओके एंड आगे लास्ट क्वेश्चन, और नहीं पूछो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाँ मजा आ रहा है, अरे मजा आ रहा है, सॉरी पूछो, चल चार क्वेश्चन ओके आगे। टॉकिंग अबाउट पूजा भट्ट, व्हिच इज योर फेवरेट फिल्म? दिल है के मातानी।